हरभजन भाई, यार खुदा का वास्ता आपके पांव पड़ते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हो। देखो हम खुद तंग आए हैं, पाकिस्तान में ये अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं सर पटक पटक के दीवारों में मार रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कभी इसने बाबर को अपना सगा बाप बनाया होता है, कभी इसने बाबर को रिश्ता देने की बात की होती है, और आजकल ये बातें कर रहे हैं हरभजन सिंह के ऊपर। देखो भज्जी ने एक चीज़ बोली है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, जिसको बहुत लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यानी कि बात की है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उत्थम उत्थी हो गई और बोलते हैं भज्जी कौन है बात करने वाला, उसका क्या काम है, वो तो क्रिकेटर है, वो कौन होता है चैंपियंस ट्रॉफी को कॉमेंट करने वाला। और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना, मज़ा बड़ा आएगा आपको। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हरभजन सिंह ने एक बोटी फेंकी, ठीक है, हरभजन सिंह ने एक बोटी फेंकी के वो दरअसल ना उसकी आदत है, हरभजन सिंह कोई आम इंसान नहीं है, वो साथ में कॉमेडियन भी है, उसकी आदत है लोगों को छेड़छाड़ करने की, कभी वो शुएब अख्तर की टांग खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है। अभी उसने पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जो कि उसने क्या किया कि हड्डी फेंकी यूं करके, जिसको तनवीर अहमद ने लपक के मुंह में पकड़ा और बोला कि हाँ क्या 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 हुआ है। तनवीर अहमद और हरभजन सिंह की बात में लड़ाई ये हो रही है, असल में जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। टेररिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हिंदुस्तान भी तंग है, जिससे पूरी दुनिया भी तंग है, जिससे इनफैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी तंग है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हालात ख़राब रहते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान से जाके यहाँ से बॉर्डर के नीचे से पता नहीं कौन से सुराख है वहाँ से घुस के इंडिया में जाकर टेररिज्म होता है। जिसके बाद हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी टीम चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो, हमारी टीम सेफ नहीं है। और यहाँ पर तनवीर अहमद को लग गई आग, उसने बोला कि भैंस की टांग तू कौन होता है भाई बोलने वाला कि इंडियन टीम सेफ नहीं है, मतलब क्या बाकी टीमें नहीं खेल रही, क्या बाकी टीमें यहां पर पाकिस्तान में आके नहीं खेल रही तू है। मतलब देखो एक तो इतना बोलूंगा तनवीर अहमद को कि जी हाँ हरभजन सिंह की बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, उसने अगर बोला हमारी टीम सेफ नहीं है तो उसकी टीम सेफ नहीं है। उसकी वजूहत ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंग्लैंड वो सब का बॉर्डर हमारे करीब नहीं है, हमारे यहाँ से नीचे से बंदे जाकर उनके यहाँ पर अटैक नहीं करते, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका में कहीं पर भी अटैक नहीं करते, ठीक है ना, वो सब इसलिए पाकिस्तान आते हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करेगा, और नहीं करता तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, कि भाई इंडिया को जितना नुकसान पाकिस्तान के इन लोगों ने पहुंचाया, पाकिस्तान के ये जो कुछ 1% या 0.1% जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं, क्योंकि बाकी 99% अच्छे हैं वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बाकी 99% जितने भी पाकिस्तान के अवाम है सबको सल्यूट है, लेकिन ये जो 1% या 0.1% गधे जाहिल और ये मतलब खबीस किस्म के लोग जो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, ये जब तारों के नीचे से जाकर 26/11 करेंगे, पुलवामा करेंगे, उरी करेंगे, जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले हिंदुस्तानी को तो गुस्सा आएगा, वो तो फुल गुस्से में बैठा है, उनका दिमाग वैसे ही गर्म हो पड़ा है, वो तो हमको पेलने के चक्कर में कि साला किसी तरह कोई पाकिस्तानी हत्थे चढ़ जाए मेरे, तो वो एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हत्थे चढ़ी, जिसको लेकर इंडिया के पास पूरा पॉइंट आ गया, मतलब वो अपने खानदानी बदले ले रहे, वो हर जगह पर बदले ले रहा है, उसने बोल दिया, उसने फैसला कर लिया कि भाई अब फिक्र नहीं करो, हम जो है आपकी लेंगे और बड़े अच्छे तरीके से लेंगे, क्योंकि मर मुरा कर एक खाली ट्रॉफी जो है वो मिली पाकिस्तान को, एक खाली ICC का इवेंट मिला पाकिस्तान को। इंडिया की बात करते हो 2011 में हो गया, 2016 का T20 वर्ल्ड कप हो गया, 2011 के बाद वर्ल्ड कप हो गया, फिर 2018 का आई थिंक एशिया कप हुआ था, नहीं एशिया कप 2018 में यहाँ नहीं हुआ था, फिर जो है आपका 2000 आप कह लो 24-23 का वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट का, फिर आगे आपको 26 का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, फिर 29 की चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी, फिर 31 का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, मतलब हर साल में हर 2-3 साल में इंडिया का एक ना एक ICC का इवेंट आता है, और पाकिस्तान को मर मरा कर पांव पड़ के नुन्नू मुंह में लेकर यहां पर जो है हमें एक खाली चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, जिसको लेकर इंडिया वाले हमें जलील कर रहे हैं और वो सारे खानदानी बदले हमसे ले रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमारी टीम ये नहीं है, हमारी टीम सेफ नहीं है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें साइड में रखो, लेकिन ये जो बेरोजगार तनवीर अहमद अपनी सफाइयां पेश कर रहा है, मसला मुझे इसके ऊपर है कि भाई देखो आपके मुल्क में कुछ हो, कुछ आंखें दिखाने के लायक हो तो आप दिखाओ भी, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बड़बोले हैं, ये बकवास आदत कर देते हैं अपने मुंह से, अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं, और बाद में जो है ये अपना मुंह छुपाने के लिए कोई सुराख ढूंढते हैं और फिर अपने पिछवाड़े के अंदर अपना मुंह देकर छुपा लेते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमने तो गलती की थी, हमसे ना हो पाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि आप खुद सोचिए कि तनवीर अहमद कहते हैं कि आपके मुल्क को क्या खतरा है, मतलब क्या डरपोक कौम हो आप, हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि डरपोक कौम हो, डरते हो पाकिस्तान आने से, क्योंकि यहां पर आप लोग बड़े गंदे तरीके से हार जाओगे, भैंस के बच्चे, मैं क्या बोलूं अभी तनवीर अहमद को, यार कितनी दफा इंडिया से जलील होंगे हम,
एक मौका मिल रहा है जहां पर हम इंडिया से पाकिस्तान के अंदर जलील नहीं हुए आज तक। जो है हमने कभी जो है आईसीसी इवेंट का खास तौर पे कोई मैच, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई मैच हारा है, लेकिन अब ये मौका भी हमारे हाथ में आने वाला है। मतलब ये एक कलंक भी हमारे माथे पे लगने वाला है कि हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान से कोई मैच हारेंगे। अबे मैं तो कहता हूँ बड़ा ये तो शुक्र है, शुक्र गुजार करते हैं हम जय शाह साहब के और इंडिया के वो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हैं इसको लेकर यूएई जा रहे हैं ताकि हमारी वहां पर बेइज्जती हो। यूएई वाले फिर भी समझदार हैं, वो वहां पर पाकिस्तान की बेइज्जती एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सोचो कि अगर पाकिस्तान में आकर इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया, बड़े गंदे तरीके से पाकिस्तान को ठोक दिया, तो फिर हम कहां जाएंगे? हमारी तो फिर बैंड बज जाएगी, फिर तो मतलब पाकिस्तान के अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद पाकिस्तान में सेफ नहीं होंगे। हैं जब इंडिया से हार के बैठोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है पाकिस्तान की आवाम ठंडी होकर छोड़ देगी? वो बोलेगी सालों तुम लोग को हम इतनी मुश्किल से जो है इंडियन टीम लाकर दिए थे कि इनको हराओ, इंडियन टीम यहाँ पाकिस्तान में आई थी और तुम लोग इनसे भी हार गए। सबसे पहले तो बाबर आजम के पिछवाड़े में एक के डाली जाएगी, उसके बाद फिर बाकियों को देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड है ना ये। लेकिन ये बात इस जाहिल तनवीर अहमद को नहीं समझ आएगी। अच्छा तनवीर अहमद क्या, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नल्ले छपरी बेरोजगार यूट्यूबर्स हैं जो कि पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन आईसीसी की तरफ से कोई पैसे ना मिलने की वजह से या बीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से या उनको कोई कोचिंग में भी नहीं रखता, इस वजह से वो पैसे वैसे के चक्कर में जो है कोई 100-200 डॉलर महीने का मेरे ख्याल से कमा लेते हैं। तनवीर अहमद हो गए, राशिद लतीफ हो गए और पता नहीं कौन कौन से दो दो टके के क्रिकेटर्स हैं जो कि यूट्यूबर बने हुए हैं, हालांकि उनका यूट्यूब की फील्ड से या जर्नलिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि जर्नलिज्म और यूट्यूब और क्रिकेट तीनों को साथ में लेकर चल सकता है, वो है आकाश चोपड़ा। मेरी नज़र में उससे बेहतर पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जो कि क्रिकेट की इतनी नॉलेज रखता है, उसको पूरी दुनिया की क्रिकेट की नॉलेज भी है और यूट्यूब का अपना चैनल रन भी कर रहा है, अब वो प्रोफेशनल एक यूट्यूबर भी है। लेकिन ये आकाश चोपड़ा के खब्बे और सज्जे यानी कि लटकने वाले जो होते हैं कपूरों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बने पड़े हैं तनवीर अहमद हैं, अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझना चाहते हैं। ये जर्नलिज्म नहीं होता, ये दिल की भड़ास निकालना होता है। आप यूट्यूब पर आकर हग रहे हो, आप YouTube पर आके दिल की भड़ास निकाल रहे हो, किसने बोल दिया आपको कि आप शक्ल से जर्नलिस्ट लगते हो? अबे जाओ टीवी पर जाके अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराओ। याद नहीं है टीवी के ऊपर कैसे यहाँ पर गौतम गंभीर ने इसको पेला था, गौतम गंभीर ने रगड़ा था यहाँ पर तनवीर अहमद को, ये बात इसको याद नहीं आ रही। लेकिन ये तनवीर अहमद जो कि यकीन करो जर्नलिज्म का जिसको जी भी नहीं पता, वो बंदा आकर हमारे यहाँ पर जो है यूट्यूबर्स के ऊपर बातें करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है वो व्यूज़ लेने के लिए करते हैं, तो भैंस के तेरा क्या काम है, तू यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आया है, तू क्या अचार लेने के आया? अगर हम यहाँ पर व्यूज़ लेने के लिए खड़े हुए हैं, कुछ सच बोलते हैं तो हम तुमको बुरे लगते हैं, कुछ इंडिया के खिलाफ बातें करें तो हम तुमको अच्छे लगते हैं, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें तो हम तुमको बुरे लगते हैं, तो तू यहाँ अचार लेने के लिए आया यूट्यूब के ऊपर? तेरा काम क्या है? तू जाके ये बकवासात जो अपने मुँह की भड़ास है वो जाकर टीवी पे निकालो, या टीवी वालों ने बुलाना छोड़ दिया तुमको, अब टीवी पे कोई आने नहीं देता तुमको। मतलब अजीब ही इनका दिमाग है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यार इतना गधा कोई इंसान कैसे हो सकता है, इतना जाहिल गवार कोई इंसान कैसे हो सकता है जितना तनवीर अहमद है। अभी तो हरभजन सिंह बड़े शरीफ इंसान है वो, अच्छा हरभजन सिंह का देखो यूट्यूब चैनल होगा ना, वो रोजाना इनकी तरह मुंह पे आके ना तबसरे नहीं करने लग जाएगा, वो बस छेड़ने के लिए कोई एक आध छोछला वोछला जो है वो छोड़ देगा, कोई एक आध बात ऐसी कर देगा जिससे पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम के दिलों में आग लग जाएगी और हम बोलेंगे भाई साहब हमारी पिछवाड़े हमारे जल के लाल हो जाएंगे, वो कुछ ऐसा कमेंट कर देगा। ना कि सिर्फ ये बल्कि वीरेंद्र सहवाग, इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ टाइम स्पेंड किया, इसलिए पाकिस्तान को पता है कि भाई मतलब उनको पता है कि पाकिस्तान का दिमाग किस बात पे गर्म होगा, इनको छेड़ना कैसे, इनका ब्लड प्रेशर हाई कैसे करना है। हम यहाँ पर बार बार अपनी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई करके बैठ जाते हैं, वो इंडिया वाले तो इंडिया में बैठ कर हमारे मजे ले रहे हैं, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, वो कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान में नहीं जाना। और ये बात इंडिया के क्रिकेटर, हालांकि जितना पाकिस्तान में अफरा तफरी मची है, देखो होश तो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान को क्या जरूरत थी यहाँ पर शोशलेपने करने की और जाके हाइब्रिड मॉडल पेश करने की, ये फार्मूला वो फार्मूला वगैरह वगैरह, मसला सारा आईसीसी का और इंडिया का था, वो आईसीसी का काम था कि उससे बात करें। लेकिन हमारी फटके पहले शलवारें पीली हो गई, हमने पहले जाके बोल दिया चलो जी हाइब्रिड मॉडल फिर इस तरह कर लेते हैं, फिर 3 मैच 3 साल के लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें, ये कर दें और फिर निकाह नामे पे दस्तखत करें। अबे अजीब ही कोई यार कसम से, ये कंजरगिरी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, दिमाग ही नहीं है किसी के पास। पाकिस्तान वैसे यू नो एक स्टांस था बड़ा स्ट्रॉन्ग कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल सबसे पहले लेकर पहुंच गए आईसीसी के पास कि भैया जी आप ये एक्सेप्ट करवा दीजिए किसी तरीके से, आप किस तरीके से जय शाह साहब को और इंडिया को बोलिए कि वो पाकिस्तान में आ जाएं। उन्होंने पकड़ के मुंह पे मार दिया, उन्होंने बोला कि दफा हो, ये तुम्हारे बाप का और बेटे का मामला है, हम के बीच में आएंगे?
आईसीसी वालों ने कुछ ऐसा तस्वुर किया जिसके ऊपर पाकिस्तान में लोग आग बगुला हो गए कि यार ये क्या हो गया। फिर पाकिस्तान को छेड़ने के लिए इंडिया की तरफ से थोड़े बहुत ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जिसमें जावेद मियांदाद हो गए, राशिद लतीफ हो गए, उसके अलावा तनवीर अहमद भी मेरे ख्याल से कोई 4-5 मैचेस खेला हुआ है यार बेचारा, इसको भी पाकिस्तान की कैप मिली हुई है, जो कि नल्ले छपरी बेरोजगार, कोई पैसा वैसा नहीं है इसके पास, इसलिए जो है वो यूट्यूब चैनल पर आगे बैठ गया। तो ये इस तरह की बकवासात करते रहेंगे, इंडिया वालों को बोलूंगा आपने कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई गुस्सा नहीं करना, ये इस तरह के जाहिल लोग पाकिस्तान में आपको मजीद देखने को मिलेंगे, और ऐसे जहालत पाकिस्तान में बहुत बेपनाह भरी पड़ी है। आप जितना छुपाने की कोशिश करोगे नहीं छुपेंगे, आपको गटर की नाली के कीड़ों की तरह ये जाहिल उबलते हुए दिखाई देंगे, और मुझे लग रहा है कि तनवीर अहमद के लिए शायद इतनी बेइज्जती काफ़ी रहेगी। बाकी मजीद अगर उसने मेरी से बेइज्जती करवानी हो तो भाई मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।